अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुकर्रर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राय इंतखाब साहब का और जो जंग रोड की बॉडी है फुटबॉल की, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। तो इसके बाद ये जो हमारा एजेंडा है आज का, कि असल जो बात है जो अपना अभी राय साहब ने जो की है कि फुटबॉल पे जो काम हमारे हो रहा है, फुटबॉल पे वैसे भी हमारे काम हो रहा है, हमें जो काम करना है फुटबॉल को बचाने के लिए, हमें सिर्फ अपने एरिया में यूथ पे काम करना है। अपने हमारे फैसलाबाद में जितना, जिस तरह बोला कि टोबा टेक्सिंग है, उसमें जोन जितने भी हैं हमारे, उस पर हमें अंडर 16 पे हमारे जितने भी दोस्त आए हुए हैं उनको चाहिए। ये पाकिस्तान में जो चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा, जब हम खेलते रहे हम छोटे छोटे थे तब से ये चल रहा है। ये जंग उनकी ऊपर वालों की जंग है, लेकिन हमारी जंग ये है कि हमने अपने फैसलाबाद का जो फुटबॉल है इसको हमने प्रमोट किस तरह करना है। और फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो भी नामवर प्लेयर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो की प्लेयर हमारे फैसलाबाद से जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन प्लेयर्स की कोई पजीराई नहीं है। तो मैं राय इंतखाब साहब का मैं एक दफ़ा तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक माशा यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए। टूर्नामेंट के बाद अब इनका मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कराची में माशाल्लाह एक दो टूर्नामेंट चल रहे हैं, यूथ पे काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली अपनी एज अ फुटबॉलर एक रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि फैसलाबाद का जो ओवरऑल फुटबॉल है, सिटी हो या मतलब सदर जोन है या जितना भी गाँव है अपना रूरल एरिया हमारा, इसके अलावा टोबा टेक्सिंग है, समुंदरी है, जड़ा वाला है, चक झुमरा है, सरगोधा रोड है, तो मैं ये इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इस एरिया से निकल के इंशाल्लाह थोड़ा बाहर देखें। हम सब दोस्त इनके साथ हैं और इंशाल्लाह फुटबॉल को लेके हम और ऊपर आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सब दोस्त जितने भी हैं सारे फुटबॉल से फुटबॉल पे काम करने वाले अपने अपने एरिया में लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक प्रोग्राम बनाएँ, एक प्लान बनाएँ, जिस तरह एक कमेटियाँ अपने अपने इलाके में हमने सब में बनाई हुई हैं, यहाँ जंग रोड पर कमेटी है, समुंदरी रोड पर कमेटी है, हर एरिया में बनाई हुई है। ये कमेटियों के ऊपर भी एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जितने भी, और इसके अलावा जितने अपने एरिया के प्लेयर हैं वो सब उनको मिला के वो जो कमेटी है वो इसको लुक आफ्टर करे जो हमारे फैसलाबाद का फुटबॉल है। हमने सबसे पहले इसको ऊपर लेके आना, हमारा फैसलाबाद का फुटबॉल ऊपर आएगा तो ऊपर हमारे प्लेयर जो हमारी प्रोडक्शन है पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी। तो इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दोस्तों का, इस इलाके के दोस्तों का, हाजी स्तार साहब हैं, मैं कुछ दोस्तों के नाम भी ले सकूँ तो मैं माँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मैम।